हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, असम पुलिस SI का यहाँ पर फॉर्म आ चुका है। फ्रेंड्स, आज मैं बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से फिल करना है ये पूरा का पूरा फॉर्म। ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये असम पुलिस का मेरे भाई ने इस फॉर्म को भरा है, तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आ जाना है गूगल प्ले, यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम में, और यहाँ पर तीन डॉट है, इसमें क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। इसको डेस्कटॉप साइट कर लेना, तो ये डेस्कटॉप साइट में आपका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर SLPRBAssam.com, ठीक है। डॉट, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, ये .com है, .in है, ठीक है ना। मैं फटाफट देख के बताता हूँ आपको। जी नहीं, ये .com नहीं, .in है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, SLPRBAssam.in, यहाँ पर आपको आना है। देखिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको टैप करते हुए आपको यहाँ पर डायरेक्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टोका आरूप भुआ प्रतीक कुरत, मतलब जो भी लिखा हुआ है असम में, असामीस में लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, क्योंकि मैं चूँकि असम से पैदा हुआ हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ठीक है। अभी यहाँ मैं बता दूँ किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, किस प्रकार से फिल करना है, तो मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स, आप पेज के नीचे में आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 68 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। पहले ये 490 पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ था, अभी इसको इसमें 107 पोस्ट ऐड किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, एप्लीकेंट लॉगिन, तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर तीन डॉट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तीन डॉट में क्लिक करके डेस्कटॉप साइट इसको भी कर लेना है, तब ये बड़ा साइज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन, तो मैंने फ्रेंड्स इसका फॉर्म, इन्होंने इनका फॉर्म भर चुका हूँ, तो इसको मैं आपको लॉगिन होकर दिखाता हूँ कि इस प्रकार से इसको फॉर्म भरना है। तो आपको लॉगिन होने से पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले आपको क्या करना होगा, बैक करके दिखाता हूँ आपको पहले क्या करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक हेयर टू अप्लाई तो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात आपकी, लेकिन एप्लीकेंट लॉगिन होने से पहले आपको पहले क्या करना होगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नाम देना होगा, अपना फ़ोन नंबर देना होगा, अपना ईमेल आईडी देना होगा, क्योंकि आपका जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, वहाँ से एक लिंक खोलोगे तो आपको ये लॉगिन का फॉर्म आएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन फॉर्म आएगा। मैंने ये सारा का सारा चीज़ प्रोसीजर कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट यहाँ पर पॉपअप खुल के दिखा रहा है कि आपका लॉगिन करना है सिर्फ, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से लॉगिन होना है, ठीक है इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। क्यों बता रहा है ये यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड, क्योंकि मैंने इसमें पहले इसमें अपना जो है ना, जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है, यहाँ पर देखिए यूज़र नेम पासवर्ड, तो यूज़र नेम में क्या देना है, आपको ईमेल देना है या मोबाइल नंबर देना है आपका, और पासवर्ड देने के बाद आपका ये खुल के आएगा। मैं बता देता हूँ किस प्रकार से पेज आपका खुल के आएगा, चलिए देखते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो स्टेप वन क्या लिखा है, पोस्ट डिटेल, तो डिटेल को मैंने पोस्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन के थ्रू मैंने जैसे जैसे गया हूँ वैसे वैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। पर्सनल डिटेल जो भी आपका डिटेल है वहाँ पर आपका एड्रेस जो है आपका, जो कि परमानेंट एड्रेस पूछेगा और एक कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछेगा, तो दोनों में से कोई एक एड्रेस देखिए, अगर आपका जो परमानेंट वही कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो आप दोनों में वहाँ पर चेक करना होता है कि इसमें चेक करके बता दीजिए, इसमें चेक करके बता दीजिए कि आपका मतलब दोनों का दोनों जो एड्रेस है सेम है, तो वहाँ पर बस करना होता है, वो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या देना है आपको मैं बता दूं कि किस किस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो चलिए पांच अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मैं बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आपको मैं बता रहा हूं कि किस किस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे किस किस प्रकार से यह फॉर्म अपलोड करने के लिए बोला गया था। साइज ऑफ पासपोर्ट फोटो शुड बी बिटवीन, देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। आपको देखिए घर से निकलते समय बस इतना सामान लेके आइए, आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या चाहिए, 50 केबी से 450 केबी तक आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, बहुत ही अच्छी साइज दे रखी है, जिसमें आपको आपको मैं एक वेबसाइट एक देखिए आपको बता देता हूँ। आप देखिए रिसाइज फोटो जो है ना, रिसाइज उसका ऐप का नाम बताता तो देता हूँ, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो उस ऐप का नाम बता दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, आपको फोटो क्लिक करने हैं और उसमें जाके टैग मतलब बता दूँ कि उसमें सिर्फ जाना है और उसमें डाल देना है फोटोज को, और आपको वो साइज बना के दे देगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल साइज बना के दे देगा, जिसमें आपके मान लीजिए 5 MB के फोटो है, तो वो रिसाइज करके उसको 100 KB या 200 KB करके बना के आपको दे देगा। चलिए दिखाता हूँ आपको कौन सा ऐप है।
तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस फोटो साइज, बस ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। बस वहाँ पर क्लिक करते समय यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर आने के बाद सेलेक्ट इमेज करके फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने अपने हिसाब से पिक्सल को बना लीजिए। उसमें आपको बता देगा किस प्रकार से आपको पिक्सल बनाना है। बहुत ही देखिए यहाँ पर फोटो को लेकर साइज को छोटा कर दीजिए, ठीक है ना। बस यहाँ बहुत ही सिंपली आप इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको फोटो को साइज बना ले सकते हो। मैंने भी यहीं से बनाया था अपने भाई का, तो यहाँ से आप भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप फोटो के साइज को बनाने के बाद आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट ऊपर में और भी जो भी सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, तो आप ग्रेजुएट ही बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ग्रेजुएट हूँ तभी मैं भर सकता हूँ या HS पास करने से भी आप मैं भर सकता हूँ इसको। मैं आपको बता दूँ, या चाहे आप कहीं का भी फॉर्म भरे, आप कोई भी स्टेट लेवल का फॉर्म भरे, आप अगर SI लिखा हुआ है मतलब सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ ग्रेजुएट HS पास नहीं, मतलब उसमें ग्रेजुएट पास होना चाहिए। आपको ग्रेजुएट पास हो गए तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इसमें डालना है। देखिए क्या डालना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटो, दिस पासपोर्ट साइज फोटो डाल देना है, सिग्नेचर डाल देना है, सिग्नेचर 20 KB से 100 KB के भीतर, HSLC का एडमिट कार्ड डालना है, ठीक है ना। HSLC का एडमिट कार्ड डाल देना है जिसमें आपको 100 से 450 KB का एक फोटो मतलब इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। पास सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो वहाँ पे आप बोलोगे जाके कि पास सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, तो वहाँ से आपको पास सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो वहाँ से आप पास सर्टिफिकेट इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से ले लीजिए और उसका फोटो और रिसाइज कर लीजिएगा, मैंने जो आपको ऐप बताया था। उसके बाद से साइज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इमेज शुड बी बिटवीन दिस दिस, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइज बता दे रखा है 100 से 450 KB तक, तो वहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट का साइज बना सकते हो, ठीक है। वहाँ से बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है इस साइज को फोटो को, मतलब बस यही लास्ट प्रोसीजर है। इसके बाद फाइनल सबमिट के लिए बोला जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ फाइनल सबमिट कैसा बोला जाएगा, किस प्रकार से आपका आएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से फाइनल सबमिशन के लिए आपका आएगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सारे के सारे नाम, एप्लीकेशन ID, फादर्स नेम, ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, कोर्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, सारा का सारा देख सकते हो यहाँ पर, सारा का सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारा का सारा दे रखा है, तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 स्टेप थे और चारों स्टेप में आपको देख सकते हो इस प्रकार से आपको निकल के आएगा। आसाम पुलिस का टैग लगा हुआ है, तो आसाम पुलिस का यहाँ पर फॉर्म भर गया है। बहुत ही सिंपली तरीके से 7 मिनट से 8 मिनट के भीतर आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, बहुत ही ईजी तरीके से बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बहुत ही ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।